दोस्तों, कोरोना की वजह से हमारी लाइफ काफी खतरे में आ चुकी है और लोग इससे काफी डर रहे हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोरोना की वैक्सीन न मिलना। तो दोस्तों, आज के फैक्ट साइंस के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कोरोना की ऐसी 5 वैक्सीन जो दावा करते हैं कि वो फ्यूचर में कोरोना से लड़ेगी, और उनके क्या क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, और वो मार्केट में आने के बाद कितनी कीमत पर बिकेगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वैक्सीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको वैक्सीन के ट्रायल से लेकर मार्केट तक के आने की प्रक्रिया बताता हूँ। किसी भी वैक्सीन पर काम शुरू होने से पहले उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। उसमें किसी जानवर पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। जनरली वो जानवर एक बंदर या फिर चूहा होता है। बाद में यह प्रोसेस होने के बाद यह वैक्सीन इंसानों पर ट्राई की जाती है। इसमें 3 फेज होते हैं। फेज 1 में 20 से लेकर 80 आदमी होते हैं जिस पर यह वैक्सीन ट्राई की जाती है। अगर फेज 1 क्लियर हो जाता है तो वैक्सीन अगली स्टेप में जाते हैं, यानी कि फेज 2। इसमें 100 से ज़्यादा लोग होते हैं और उस पर वैक्सीन ट्राई की जाती है। अगर फेज 2 भी ट्राई की जाए, मतलब फेज 2 भी पास हो जाए, तो फेज 3 में जाते हैं। इसमें 1000 से लेकर 10000 तक लोग हो सकते हैं। अगर फेज 3 कंप्लीट हो जाए तो वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को वो कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने टीवी पे देखा ही होगा या फिर मोबाइल में पढ़ा होगा कि रशिया ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन निर्माण कर रही है कोरोना के खिलाफ। तो इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक लाइको। दोस्तों, इस वैक्सीन को बनाने में रशिया के रक्षा मंत्रालय और गैमालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडर्मेटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। दोस्तों, रूस ने यह दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे पहली कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन है, और इसने यह भी कहा है कि ये इसके 100% क्लिनिकल ट्रायल पास किए है इस वैक्सीन ने। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि WHO यह नहीं मानता। WHO ने रूस के इस वैक्सीन पर कई आशंका जताई है। उनका कहना है कि किसी भी वैक्सीन को तीसरे चरण से पहले या फिर तीसरे चरण में अप्रूवल देना एक हानिकारक की निशानी हो सकती है अगर वो वैक्सीन सही ना निकली तो। रशिया का कहना है कि जो उन्होंने वैक्सीन डेवलप की है वो 100% क्लिनिकल ट्रायल में पास हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार जिसको भी यह वैक्सीन दी गई है उन पेशेंट में कोरोना के खिलाफ अच्छी खासी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। बात करें रशिया के वैक्सीन के स्टेटस की, तो ह्यूमन ट्रायल में इसका 3rd फेज चालू है। रशिया के न्यूज एजेंसी का कहना है कि 12 अगस्त तक इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और रशिया ने इसकी कीमत अभी तक बताई नहीं है। दोस्तों, नंबर 4 पर चीन की कोरोनावैक वैक्सीन है, जिसे चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने डेवलप किया है, और यह वैक्सीन चीन की दूसरी और दुनिया की तीसरी ऐसी वैक्सीन है जिसका तीसरा चरण ट्रायल सबसे पहले हुआ है। चीन में सबसे ज्यादा चर्चा सिनोवैक वैक्सीन की है। इसका अंतिम चरण ट्रायल इंडोनेशिया के 6 अलग अलग जगहों पे होगा। चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक का कहना है कि इनकी वैक्सीन 99% असरदार है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 100 मिलियन डोजेस उन्हें बनाने हैं। दोस्तों, बात करें इसके कीमत और यह वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी, इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है, और चाइना की कोई न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी नहीं छपी है। दोस्तों, नंबर 3 पर जो वैक्सीन है उसे अमेरिका की फर्म कंपनी फीजर और जर्मन की बायोटेक कंपनी बायो एन टेक ने बनाया है, और इस वैक्सीन का नाम है BNT162B2। दोस्तों, बात करें इस वैक्सीन के स्टेटस की, तो इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की ट्रायल हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस वैक्सीन को 30,000 लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है, और कुछ रिपोर्ट के अनुसार वॉलंटियर का इम्यूनो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। जिन वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई थी उन्हें न्यूट्रल एंटीबॉडी विकसित करने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। कंपनी ने कहा है कि अक्टूबर तक ड्रग कंट्रोल से इन्हें अप्रूवल मिल जाएगा। और बात करें इस वैक्सीन की कीमत की, तो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली, इन सारे देशों में यह वैक्सीन की कीमत करीब 250 रुपये से 300 रुपये तक होगी। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक डोज की कीमत करीब 1500 रुपये होगी। दोस्तों, लिस्ट पर दूसरे नंबर पर जो वैक्सीन है वो अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की है। इस कंपनी का नाम है mRNA-1273, और इसमें हाल ही में तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वैक्सीन के लिए कोरोना वायरस के RNA का कृत्रिम रूप तैयार किया गया है,
इसी का वैक्सीन का आधार बनाया गया है और इसके जरिए इम्यूनो सिस्टम को इस लायक बनाया जाएगा कि वह वायरस से लड़ सकेगा। बात करें इस वैक्सीन के नतीजे की तो पहले और दूसरे ट्रायल की नतीजे सकारात्मक आए हैं। इस साल के नवंबर तक इसके तीसरे ट्रायल के नतीजे आएंगे और बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के दिसंबर तक उपलब्ध हो सकती है। मॉडर्ना ने इस वैक्सीन के मुताबिक पूरे कोर्स की कीमत 3,000 से 4,000 बताई है। इसी वैक्सीन के एक डोज की कीमत इसने 1,500 से 2,000 तक बताई है। यह वैक्सीन की कीमत अमेरिका और दूसरे आय देशों के लिए बताई जा रही है। लिस्ट पर पहले नंबर पर ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। इस वैक्सीन को इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम दिया है। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के इन देशों में वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण के वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। बात यह है कि अगस्त के अंत तक भारत में इसका थर्ड ट्रायल यानी कि ह्यूमन ट्रायल होगा। ट्रायल में भारत में करीब 18 जगहों पर यह ट्रायल होगा और करीब 1600 वॉलंटियर इसमें शामिल होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि अगर यह ट्रायल कामयाब होता है तो 2021 के तिमाही तक 30 से 40 करोड़ तक के वैक्सीन के डोज बनाए जाएंगे। CEO का यह भी कहना है कि नवंबर तक वैक्सीन तैयार की जाएगी। बात करें इसकी कीमत की तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसकी कीमत 1,000 से कम ही होगी, लेकिन बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन ने कहा है कि इसकी कीमत ब्राज़ील अन्य देशों में जैसे कि भारत में इसकी कीमत सिर्फ $3 यानी कि 225 रुपये तक होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।